हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। और आज हम अपने गांव में चल रहे हैं, वो भी बड़े आम की तलाश में चल रहे हैं और हम पेड़ से बड़े आम तोड़ेंगे। आम तोड़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको बड़े आम मिल गए हैं और जिनका पेड़ है आम का, उनसे हम आज्ञा लेके हम आम तोड़ते हैं। और आम तोड़ने के बाद हम अब चलते हैं हम घर की तरफ। कुछ आम आंधी में गिरे हुए थे और हमने ताजे पेड़ से भी तोड़े हैं। दोनों को हमने आम को आपस में मिला लिया है और इनका हम छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद आम को हम अच्छे से धुल के रख लेते हैं। आम को हम टुकड़ों में काट लेते हैं और उसका बीज हम अलग निकाल लेते हैं। और लहसुन का हम छिलका उतार लेते हैं और यहाँ पे कुछ हम लाल मिर्च भी लिए हैं। लहसुन का छिलका उतारने के बाद लहसुन को हम टुकड़ों में काटते हैं और लाल मिर्च का भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। सबसे पहले हम ईंधन को जला लेते हैं। ईंधन को हमने जला लिया है और हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम लहसुन का कटा हुआ और लाल मिर्च का कटा हुआ तड़का लगाते हैं। अब इसमें हम पचफोरन डालेंगे और ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। तड़के को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ आम डालेंगे। आम को हम थोड़ा सा भूनेंगे। आम को हमने भून लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हमारे आम के टुकड़े हैं वो अच्छे से गल जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम गांव का पिघला हुआ गुड़ डालते हैं। अब अच्छे से इसको हम चला लेते हैं। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं गुड़ की जगह पर। अब इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। एक बार बीच में हम फिर चला लेते हैं इसको। और इसको हमने तब तक पकाया जब तक कि इसका पानी हमने बहुत देर तक जलाया है और ये सूख के एकदम इसका जो है गाढ़ा हो गया है और ये हमारा आम का गुरम्मा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।